विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के मरणोपरांत जो खबर आई वो एक पोस्ट के द्वारा आई फेसबुक पर, जो उनके बेटे राजीव नयन बहुगुणा जी ने डाली थी। और बड़ा दुख हुआ देखकर कि हमारे अपने स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका नाम चिपको मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पेंशन थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पेंशन आती थी, उनकी पेंशन उनकी पत्नी के नाम पे आ जानी चाहिए थी, वो ट्रांसफर होगी तो प्रोसीजर है। लेकिन कमाल देखिए कि 2.5 महीने बीत गए और ये पेंशन ट्रांसफर नहीं हुई। जब बवाल मचा और अखबारों में खबर आई, ये फेसबुक पोस्ट आया, तब डीएम साहब की नींद खुली। मुझे राजीव नयन बहुगुणा जी ने ये कहा है कि ये मैटर सॉल्व हो गया है और डीएम जी जो हैं उन्होंने संज्ञान ले लिया है। लेकिन जानना चाहती हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से, अगर बवाल ना होता तो शायद ये भी काम ना होता। आप दम भरते हैं काम करने का और बताते हैं किस प्रकार से आपकी सरकार पूरे जोर शोर से दमखम के साथ काम कर रही है, मगर धरातल पर स्थिति कुछ और है। मुख्यमंत्री जी, सच्चाई ये है कि काम कुछ नहीं हो रहा। और हाँ, आप टीवी पे बहुत दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम कम से कम ये देख तो सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार टीवी पे आ रहे हैं तो वो बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं ये भी बताते जाइए। आपने जो बता दिया है कि अब बहुत सारा निवेश आने वाला है, वो कैसे आएगा ये भी बता दीजिएगा।